बिलासपुर के अंतर्गत आने वाले गांव अमरोहा पंचायत बलगाड़ झंडुता विधानसभा क्षेत्र की एक दलित परिवार से संबंध रखने वाली महिला का घर 3 वर्ष पहले भारी बरसात में गिर गया था और आज भी गरीब दलित परिवार से संबंध रखने वाली महिला को मजबूरन एक टीन नुमा शेड में ठंड में ठिठुर कर रहना पड़ रहा है। महिला ने बताया कि आज प्रशासन तथा सरकार की ओर से 3 वर्षों से आश्वासन ही मिल रहा है और आश्वासन के सिवा उन्हें कुछ भी नहीं मिला है। बिलासपुर जिला के झंडुता विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत बलडाग के गांव अमरोहा में एक दलित परिवार से संबंध रखने वाली महिला का घर 3 वर्षों में पहली बार बरसात में गिर गया था और आज भी गरीब व दलित परिवार से संबंध रखने वाली महिला को मजबूरन एक टीन नुमा शेड में ठंड में गुजारा करना पड़ रहा है। 3 वर्षों से बरसात तथा ठंड को काटने में मजबूर हुई ये महिला ने बताया कि आज प्रशासन तथा सरकार की ओर से 3 वर्षों से आश्वासन नहीं मिल रहे हैं। पिता की मौत के बाद बच्चों का पालन पोषण उसी पर निर्भर हो गया है। जब महिला से बात की गई तो महिला ने अपनी आप बीती सुनाते हुए कहा कि पति की मौत के बाद उनके घर भी बरसात में गिर गया था जिससे वे बेघर हो गई थी। पंचायत और सरकार से आज तक उन्हें केवल आश्वासन ही मिलता आया है और इसके सिवा कुछ नहीं मिला है। महिला ने बताया कि वे दलित परिवार से संबंध रखती हैं जिसके चलते उनके साथ अनदेखी हो रही है। अब सवाल ये उठता है कि सरकार बड़े बड़े वायदे तो करती है परंतु धरातल पर कुछ और ही दिखाई देता है। महिला ने बताया कि ग्रामीणों की सहायता व रिश्तेदारों के सहयोग से पिता की मौत के बाद दो बेटियों में से एक बेटी की शादी इसी टीन नुमा शेड से की थी। 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज महिला को भारी बरसात और ठंड में रहकर अपना जीवन काटना पड़ रहा है। मेरा मकान ना रुड़ हुए 6 साल मेरे पति हुई है मार हुए तमें जो कुछ नहीं मिल आया प्रशासन ने सफर में जो कुछ मैंने मिल आया इन्ना चर हिंदी आई हूँ हाँ सत मेरे लड़कियाँ उस ढारे च रही आई हूँ ऐसे परिवार रही आई हूँ। कार्यक्रम में वक्त चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी प्रदेश की गतिविधियाँ।